बहुत कुछ आपको सब बताऊंगा मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। बाहर लेके जाना गाइस, अंदर बहुत बोरिंग था माहौल इसलिए हम बाहर आ गए बैठने। बैठो गाइस। गलती से मैं मेरी माँ के चश्मों पे बैठ गया हूँ जो टूट चुका है अभी, और बच गई मेरी जान क्योंकि कोई भड़का नहीं है क्योंकि बहुत पुराने हो चुके। वैसे मेरी नानी को कंप्लेंट नहीं है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं हम लोग सब अपने अपने फ़ोन में रहते हैं, सागर जैसे पूल खेल रहा है और मैं वीडियो एडिट करता हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ। समझना पड़ेगा। और ये नाक में से जो बाल निकल रहे पहले काटो। हाँ ये डालना सब डालूंगा। आ गया है हमारा पापड़। क्या बोलते हैं इसको करारी पापड़। गाइस बहुत बड़ा होता है ये, चक्के देखेंगे कि होता कैसा है ये। अम्मा कैसा है? डैडी 101 101 या 100 101 100 लास्ट ईयर था जो थे उसकी वजह से नहीं कर पाए हम लोग सेलिब्रेट। तुझे कोविड हुआ हुआ था यही भैया। वो पीछे से उसका मेरे को बड़ा पसंद आता है। शुगर सिरप ये तू क्या पी रहा है? शुगर सिरप पंजाब लवली कौन से ने बस पंजाब का। थैंक यू। हम लोग ने एक और मंगा लिया क्योंकि बहुत पसंद आया हम लोग को यहाँ पे। रुक जाओ। थैंक यू। ठीक है। घी देखो कितना है। घी सब जगह। गाइस अब मैं ट्राई करने वाला हूँ प्रॉन्स। क्यों सिक्स ऑन टेन चिकन लपेटा। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को चख के बताऊंगा कि ये कैसा है गाइस। तो इसके अंदर फिलिंग होती है, ये चख के बताऊंगा मैं कैसा है। Thank you.
7/10. मम्मा ट्राई एंड टेल मी हाउ इज इट। हां मम्मी कैसा लग रहा खाना? हां अच्छा है ही नहीं ना, मजबूरी में खा रही है। चार ही बार भी नहीं है। चिकन पीस है, प्रॉन्स पसंद। हां वही करो। प्रॉन्स अच्छे लगे या चिकन? हां ना चेक से भी नहीं, चिकन कोई मीट नहीं है। और ये ले लो आप। मम्मा लिपस्टिक आपका पूरे मुंह पे फैल चुका है, कैसे खा रही हो अपना ना? तो रबे अभी ही है। तंदूरी खा रही है, लिपस्टिक खा रही हो आप? मम्मी ब्रॉन्ज या सब डिसाइड कर रहे हैं कि मॉम बोल रही स्विट्जरलैंड जाना है, ये बोल रही हिमाचल जाना है, सागर को ठंड में नहीं जाना है क्योंकि सागर की होटो को प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, जो अभी वो छुपा रहा है उसका मुंह। और ये सब बातें हैं, हमें जाना है जू घर पे ही अपने। इतना खा लिया है कि पेट फट चुका है मेरा, मुझे सिर्फ घर पे जाके सोना है। हरकत की आपने करो, आपने से करो। हाँ क्यों करूँ, क्यों करी हो ये? यहाँ से इसमें डाल दिया आप खाना क्यों? हम पैक करके घर लेके जा रहे हैं, देखो प्रॉब्लम है हमारा ही खाना है, हमने पैसे दिए, हमको बहुत पसंद आया है, हम घर लेके जा रहे हैं। लिया है हमने अब मटका कुल्फी। मटका कुल्फी है कि बर्फ जमा हुआ अंदर इतना? एक चम्मच में क्या होएगा यहाँ पर? नहीं आज तो मेरी नानी को कॉम्प्लीमेंट्री मिला है अभी, ये उनको पूछा गया अगर आपको खाना है या नहीं खाना है, वो ना तो कभी नहीं बोलेंगे। कैसा है मम्मी, हाउ इज इट? मम्मी मम्मी हाउ इज इट? 10,000 रुपया तो मंगा आ चुके हैं। खाना खा के मम्मी का पेट बहुत ज़्यादा निकला है, मेरा भी बहुत निकला है। अभी देखते क्या प्लान है शाम का। हो गया लाली वाली लगा ली आपने? आ जाओ वीडियो बना पे आओ। नहीं मेरे को नहीं बनाने का। तो लाली क्यों लगा रही है ऐसे ही? कौन आने वाला है आपको आज मिलने? कोई भी आ सकता है। सो हम वापस से आ चुके हैं लंच करके, हम लोगों ने कपड़े भी बदल दिए। तो मैं आपको मेरे नाना की तस्वीर दिखाने वाला हूँ। तो वो पायलट थे किसके लिए? मम्मी एयर इंडिया ना, एयर इंडिया के लिए वो पायलट थे मेरे डैडी। तो मतलब मैं उनको डैडी बोल 35 years उन्होंने सर्विस दी है एयर इंडिया वालों को, और मैं उनको डैडी बोलता हूँ क्यों? हाँ ही वाज अ कैप्टन ना, ऑब्वियसली कैप्टन थे मम्मी। भाई मेरे नाना उड़ाते थे प्लेन उड़ाते थे, ठीक है प्लेन, हाँ प्लेन उड़ाते थे। और मैं इनको बचपन से डैडी बोलता गया हूँ क्योंकि मैंने मेरी मॉम को डैडी बोलते हुए सुना, तो मैंने उनको कभी नाना या नानू ऐसा कुछ बोला नहीं, हमेशा डैडी बोला। जैसे मैंने आपके कमेंट्स में देखा कि आप कितने प्यारे हो कि आप आपकी नानी को मम्मी बुलाते हो, क्योंकि वो बचपन से सुनते सुनते आदत लग गई थी, इसलिए मैं उनको नानी बुलाता हूँ। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये था कि आप आपकी नानी को बुढ़िया क्यों बुलाते हो? मम्मी सुन रही हो, लोगों को ये दिक्कत थी कि मैं आपको बुढ़िया बुलाता हूँ, ठीक है गाइस, वो प्यार से बुलाता हूँ मैं अभी भी उनको बुढ़िया बोलता हूँ, उनको कोई बुरा नहीं लगता, वो हमारा प्यार है। तो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है मेरे बुढ़िया बोलने से, वो तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो तो मेरा प्यार है उनके लिए, वो अभी भी हंस रही है, उनको आपको तकलीफ है मैं बुढ़िया बोलूँ आपको? तो देखो गाइस, गुड़िया उनको डैडी बोलते थे इसलिए मैं उनको बुढ़िया बोलता हूँ। डैडी की आप एक बात बताओ, डैडी के दो अच्छी आदतें आपको उनकी, जो उनके बारे में आपको जो पसंद था, दो आदतें उनकी, दो आदतें बताओ डैडी की। डैडी की हाँ, वो कभी कुछ डिसाइड नहीं करते थे, पहली। दूसरी वो अपने काम में मस्त रहते थे, तो शाम के 4 बजे तक काम करते थे, फिर थोड़ा रेस्ट लेते 8 बजे तक उनका, फिर अपनी महफिल जम जाती। महफिल मतलब महफिल क्या जमती थी? महफिल का मतलब उनकी पार्टी जैसी जम जाती, ड्रिंक वगैरह सब।
तो एक बात बताओ, डैडी इतने शांत थे और आप इतनी अग्रेसिव क्यों थी बचपन में? गाइस बचपन में इन्होंने हमें चप्पल से, अचार के बॉटलों से इतना मारा है, पता नहीं क्यों, जैसे हमने जानवर थे। इनको लगा हम जानवर थे, इंसान नहीं थे। तू क्यों हंसता था ज्यादा? और मैं आपको एक और चीज मेरी बताना चाहता हूँ, तो हाँ बोल, बता बता बता, आप ही बताओ मम्मी। तू इतना हंसता था तो एक मारो तो साला हंसता था, फिर दो पड़ जाती थी, फिर मारो फिर चार पड़ जाती थी। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे डांट रहे हो या चिल्ला रहे हो या गुस्सा कर रहे हो तो मेरी एक आदत है कि मेरे को हंसी आती है। वो बचपन से एक आदत है जो मैं बदल नहीं सकता हूँ, और मैं जानबूझकर नहीं हंसता हूँ, बट अब क्या करूँ, आदतें बदल नहीं सकती है, मेरे को हंसी आती है। इनको चिढ़ आती थी मेरे हंसने से, इसलिए इन्होंने मुझे बहुत मारा बचपन में। दो पाला आप ही ने है, मम्मी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी मॉम ने भी इतना नहीं किया होगा जो मेरी माँ है उर्वशी ढोलक किया, उन्होंने भी इतना नहीं किया जितना मेरी, वो काम पे जाती थी इसलिए वो हमारी देखभाल करती थी, मम्मी ने हमें बड़ा किया। ये मेरे साल का आखिरी व्लॉग रहेगा, 2022 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, आई एंड होपफुली 2023 भी हम सब लोग के लिए अच्छा हो। सो मैं एडवांस में आप लोग को फिर से विश करना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, और आपके लाइफ में क्या बोलते हैं, आपकी लाइफ सक्सेसफुल रहे हमेशा। आप भी विश कर दो सबको। हंस क्यों रही हो? विश करो सबको। मम्मी हंसो क्यों रही हो? सबको विश करो। और आपका आशीर्वाद दो सबको, ऐसा आशीर्वाद सब जीते रहो और सब आपको बहुत प्यार करते हैं और सब आपको बहुत चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मींस अ लॉट टू मी, लव यू, बोलो सबको आई लव यू, लव यू गाइस।